नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टाइम में। दोस्तों, अगर आप पेटीएम के बीसी एजेंट हो, पेटीएम का एईपीएस इस्तेमाल करते हो या फिर पेटीएम बैंक एजेंट ऐप की मदद से मनी ट्रांसफर जैसे काम करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर पेटीएम बैंक एजेंट के ऐप में कई नए बदलाव देखने को मिले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ एडिशनल सर्विस एक्स्ट्रा यहाँ पर डाली गई हैं पेटीएम बैंक एजेंट की ऐप में। तो यहाँ पर क्या क्या नई बदलाव देखने को मिले हैं, और दोस्तों एक ऐसा बदलाव है जो कि आज तक किसी भी एईपीएस पोर्टल में आपको देखने को नहीं मिला होगा, जो कि पेटीएम में पहली बार देखने को मिला है। क्या अपडेट देखने को मिला है जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पर मैंने अपना बीसी एजेंट ऐप ओपन करके रखा है। यहां पर मैं सिंपली अपना लॉग इन किए लेता हूं आईडी पासवर्ड। जैसे यहां पर लॉग इन करता हूं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर मैं सबसे नीचे आ जाता हूं एईपीएस के सेक्शन पर। एईपीएस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से मुझे यहां पर एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला तो बैलेंस इंक्वायरी, जो कि हर एईपीएस पोर्टल में कैश डिपॉजिट मिनी स्टेटमेंट, ये जो तीन शुरुआती ऑप्शन दिए गए हैं आपको हर एक एईपीएस पोर्टल में बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आपको नीचे से दो ऑप्शंस ऐसे दिख रहे होंगे। पहला तो कैश डिपॉजिट का, कुछ ही एईपीएस पोर्टल ऐसे होते हैं जिनमें आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक हो गया और स्पाइस मनी। हाल ही में ये ऑप्शंस आना स्टार्ट हुए हैं कैश डिपॉजिट के। यहाँ पर होता क्या है कैश डिपॉजिट की सर्विसेज में, कि यहाँ पर आपको सिंपली कस्टमर का आधार नंबर और बैंक सेलेक्ट करना होता है और अमाउंट डालना होता है। जो अभी आपके एईपीएस पोर्टल में पैसा पड़ा होता है वो डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है बिना किसी चार्ज के। तो यहाँ पर एक कैश डिपॉजिट की सर्विसेज काफी पोर्टल में आसानी से देखने को मिल जाएगी। लेकिन लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा आधार टू आधार फंड ट्रांसफर। ये जो ऑप्शन से पहली बार एईपीएस पोर्टल में देखने को मिल रहा है। अब यहां पर होता क्या है कि सिंपली यहां पर आधार टू आधार फंड ट्रांसफर में सिंपली आप मोबाइल नंबर टाइप करना होता है, इसके बाद यहां पर आधार नंबर जिसको आप भेज रहे हो। यहां पर होता क्या है बेनिफिशियरी के जो भी अकाउंट डीबीटी से लिंक होगा आधार कार्ड से, आप उसका आधार नंबर डालोगे तो जो भी डीबीटी से अकाउंट लिंक होगा उसमें ऑटोमेटिक पैसा पहुंच जाएगा। यहां पर देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ भी एक मोबाइल नंबर डाले देता हूं कुछ भी, इसके बाद यहाँ पर एक आधार नंबर डाले देता हूँ, इसके बाद मैंने अमाउंट टाइप कर दिया। अब सिंपली यहाँ पर मैं प्रोसेस बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आधार टू आधार फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर जिसके अकाउंट से आपको पैसा भेजना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होगी, जैसे कि बैंक नेम और यहाँ पर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी, दोनों ही बॉक्स में भर सकते हो। इसके बाद प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो जिसके भी अकाउंट से आपको पैसे भेजने हैं उसका आपको फिंगरप्रिंट लेना होगा। तो एक नया ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये ऑप्शंस अभी तक मैंने किसी भी एपीएस पोर्टल में नहीं देखा है। हो सकता है पेटीएम पेमेंट बैंक पहला ऐसा पोर्टल हो जिसमें आपको ये आधार टू आधार फंड ट्रांसफर का ऑप्शंस मिल रहा होगा। तो दोस्तों अभी जैसे कि पहली बार ऑप्शन देखने को मिला है एपीएस पोर्टल में आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, हो सकता है आने वाले समय में कई एपीएस पोर्टल ऐसे हों जिनमें ये ऑप्शंस आपको देखने को मिले। तो दोस्तों आज का अपडेट यही था कि अगर आप पेटीएम के बीसी एजेंट हो तो आपको दो नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप बीसी एजेंट हो कि आपको ये सर्विस कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।